आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज, रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ अब्दुल कादर। आइए 21 दिसंबर की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। इसराइली जेल में इलाज से महरूम रहने वाले फ़लस्तीनी अबू हमीद का हो गया इंतकाल। अबू हमीद की वफ़ात पर कल मंगल को फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में की गई हड़ताल और मनाया गया शोक। फ़लस्तीन की मजहबी और सियासी जमातों ने की थी एहतजाज की अपील। स्कूलों और अस्पतालों के सिवा बाकी तमाम सरगर्मियाँ रही बंद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके के एक बाजार में फटा गैस सिलेंडर, जोरदार धमाका होने से कम अज़ कम 12 लोगों की हुई मौत जबकि 13 दीगर हुए जख्मी। गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ यह हादसा। धमाके की वजह आसपास के दुकानों में फैली आग। एक दर्जन से ज़ायद गाड़ियां तबाह। अक़्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान पर बातचीत के दौरान अक़्वामे मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने भारत का मौकूफ़ किया पेश। कहा, काबुल में इंतजामिया पूरी तरह से तालिबानी। तालिबान और अलकायदा के दरमियान गहरे ताल्लुकात, इससे आसपास के इलाके मुतासर। चीन, जापान और अमेरिका में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र मरकजी वजारत सेहत आई हरकत में। मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों को लिखा खत। जीएनएम की तरबियत को बढ़ाने की दी हिदायत। कोरोना के नए किस्म की शनाख्त के लिए करे तमाम मुस्बित केसों की जीएनएम सीक्वेंसिंग। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। दोनों के दरमियान भारत की डिजिटल तब्दीली और आलमी स्ट्रैटेजिक तरक्की पर किया गया तबादला ख्याल। पिचाई ने कहा, ख्वातीन की ज़र क़्यादत स्टार्टअप कंपनियों को $75 मिलियन की दी जाएगी इमदाद। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मंगल के रोज़ पार्लियामेंट में रहा जोरदार हंगामा। बीजेपी ने खड़गे से मुआफ़ी का किया था मुतालबा, लेकिन कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोरदार अंदाज में कहा, मैं अपने अल्फाजों पर कायम, अंग्रेज़ों से मुआफ़ी मांगने वाले मुआफ़ी का कर रहे मुतालबा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मरकज़ की एनडीए हुकूमत को हिला कर रख दिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के लिए एक वरदान साबित। यात्रा का मकसद अवाम को महंगाई से निजात दिलाना, यात्रा को अवाम की ज़बरदस्त हिमायत हासिल। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान ने गुज़िश्ता रोज़ सीएम केसीआर से की थी मुलाकात। दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने मुल्क की ताज़ा सियासी सूरतेहाल और तेलंगाना की तरक्की के अलावा फलाही इकदामात पर की थी बातचीत। दोनों कायदीन ने मरकज़ की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुत्तहिदा जिद्दोजहद से किया इत्तेफाक। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय के चैलेंज को मिनिस्टर केटीआर ने किया कबूल। ड्रग टेस्ट के लिए अपना खून, सर के बाल, नाखून और ज़रूरत पड़ने पर गुर्दा देने का किया ऐलान। ड्रग्स टेस्ट मनफी होने पर करीम नगर चौराहे पर खुद को चप्पल से मार लेने के लिए तैयार रहने का बंडी संजय को दिया मशवरा। शाहरुख खान की फिल्म पठान पर तनाज़ा जारी। अब यह तनाज़ा पहुंचा हैदराबाद। बीजेपी की तंजीम BJYM की जानिब से हैदराबाद में फिल्म पठान के गाने पर किया गया एतराज़। हैदराबाद BJYM सदर नितिन नंदकर की क़्यादत में किया गया एहतजाज। शाहरुख खान का अलामती पुतला नजर आदेश। ये थी BBN टॉप 10 न्यूज़ में 10 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।